हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कंसारा आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस के कुछ आसान से तरीके जिससे अब आपके लिए बिजनेस पढ़ना नहीं होगा बोरिंग। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन हम इसको जानेंगे वास्तविक हम जीवन में मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है प्रबंध, किस प्रकार से बिजनेस लाइन में इसका यूज है, पहले इसमें क्या था, अब इसमें कितना कुछ परिवर्तन आ गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा वर्ड प्र प्लस बंद, जैसा कि आप जान रहे हैं प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। प्र का मतलब होता है विशेष या अच्छे से और बंद का मतलब होता है जुड़ना। यानी प्रबंध क्या करता है, प्रबंध एक संगठन के अंदर कार्य करने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि जब तक लोग आपस में कनेक्ट नहीं होंगे उस संगठन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो प्रबंध के मार्फत लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। प्रबंध के संबंध में जो धारणाएं हम पढ़ेंगे ये धारणाएं आज से नहीं है, ये सारी की सारी जो धारणाएं हैं ये प्राचीन समय से हो रही, यानी कि हम ही कह सकते हैं कि प्रबंध का इतिहास कब से है, मानव सभ्यता जो है जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है उस समय से प्रबंध किसी ना किसी रूप में हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। प्रबंध जो है वो मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हम ये कहेंगे साहब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, व्यक्ति ने तो सारा काम जो है वो बाद में धीरे धीरे सीखा है, हम कैसे मान लें इसको। तो देखिए प्रबंध जो है एक अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके होने या ना होने को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर कोई संगठन अपने कार्य को अच्छे से कर रहा है, निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है, अगर वो निरंतर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो ऐसे दशा में आप मान के चलिए 100% वहां पर प्रबंध व्याप्त है, चाहे आप उसे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि प्रबंध कैसा होता है, अदृश्य होता है। इसका होना या नहीं होना किस पे निर्भर करेगा, उस संगठन के प्रोग्रेस पे, कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो संगठन। तो इस प्रकार से जब से मानव जीवन का प्रारंभ हुआ उस समय से व्यक्ति हर एक कार्य के लिए प्रबंध करता है। चलिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो हमारे घर के दैनिक कार्य से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा हमारे घर में जो हमारे पिताजी होते हैं वो मंथली जो कुछ भी कमा रहे हैं उनकी कमाई से, उन्होंने जो कुछ भी कमाई करी है, उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है, उस इनकम में से वो घर का खर्च भी चलाते हैं और उसमें से ही बचत भी की जाती है। ये चीज हम अपने घर देखते हैं रेगुलर, यानी जो पैसा हमारे द्वारा कमाया गया है उसमें से हम खर्च भी करते हैं और बचत भी की जाती है। खर्च और बचत के बीच में जो हम सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य या जो संतुलन यहां स्थापित हो रहा है, ये संतुलन किसके आधार पर है, इसका आधार ही जो है वह है प्रबंध। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। हम आए दिन अपने परिवारजन या अपने मित्रों की शादी में शरीक होने के लिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सारा काम काज बड़े ही आराम से हो रहा है, कोई भगदड़ नहीं है, सारा समय पर हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा काम कोई परिवार का एक व्यक्ति कैसे कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, पूर्व प्लानिंग होती है उसकी, पूर्व में उसने क्या कर दिया है, इसके लिए एक परियोजना बनाई है और उस परियोजना के मार्फत ही वो सारा काम बिल्कुल विधिवत तरीके से और नियत समय में
क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, हमारे लिए समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो नियत समय में वो सारा काम जो है वो पूरा हो जाता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि प्रबंध जो है एक हमारे जीवन का ऐसा विषय है जो हर जगह व्याप्त है, चाहे हम उसको देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, लेकिन उसका होना उस कार्य के बैठे ढंग को दिखाता है। स्कूल में होने वाले समस्त कार्य या एक छोटी सी दुकान पे जो व्यक्ति अपने सारे व्यापारिक लेन देन कर रहा है, तो उसके लेन देन में भी प्रबंध व्याप्त होता है। उसके द्वारा जो भी लेखा जोखा किया जा रहा है या समस्त प्रकार की क्रियाएं, एक ठेले वाला जो लॉरी पर अपने गुजारे के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके द्वारा भी जो कार्य किया जा रहा है उसमें भी प्रबंध व्याप्त होता है। यानी कि छोटे से संगठन से लेकर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा आपसे, केवल और केवल भारत में ही नहीं, हम यहां केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, प्रबंध केवल भारत में ही है बल्कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व में व्याप्त है प्रबंध। मैनेजमेंट जो है वो सभी जगह व्याप्त है। हाँ, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि स्थान के परिवर्तन के साथ साथ में इसके जो लागू होने का तरीका है वो बदल जाता है। यानी कि वहां की जैसी परिस्थितियां होगी उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर प्रबंध जरूर होगा। तो हम अब और भी अच्छे ढंग से समझ चुके हैं कि प्रबंध होता क्या है। अब हम बात करते हैं प्रबंध की परिभाषाओं की। तो देखते हैं देखिए, वैसे तो प्रबंध की परिभाषाएं जो हैं अलग अलग प्रबंध शास्त्री हैं, उन्होंने कई सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैरी पार्कर फॉलेट की। देखिए इन महोदय ने क्या कहा, इन्होंने बड़े ही आसान से शब्दों में आपको बता दिया कि प्रबंध क्या है। क्या बताया इन्होंने, इन्होंने कहा दूसरों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। अब देखिए मेरी पार्कल फॉरवर्ड कह रहे हैं दूसरों से कार्य करना। देखो कार्य कौन कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, कार्य जो है किसी अन्य के द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि प्रबंधक जो होता है, जो व्यक्ति मैनेजमेंट कर रहा है, वो क्या करेगा, केवल निर्देश देने का कार्य करेगा। प्रबंधक क्या करता है, निर्देश देता है और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं इन अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा, उनके द्वारा जो भी निर्देश प्रदान किए जाएंगे उनका क्या किया जाएगा, अनुसरण किया जाएगा। क्योंकि एक प्रबंधक ही उन्हें बताता है आपको करना क्या है। प्रबंध का कार्य केवल आपका मार्गदर्शन करना होता है, जबकि वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति जो होती है वो होती है अन्य जो कर्मचारी हैं, या जो कर्मचारी से प्रबंधक के अंडर में काम कर रहे हैं, उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा वास्तव में उस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। आगे लिखा है कला। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, प्रबंध कला इसलिए है क्योंकि कार्य दूसरों से करवाना है, और हम जानते हैं कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति से काम कराना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होता,
जब हम किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाना चाहते हैं तो ये कोई आसान बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे घर पे भी एक छोटे बच्चे से अगर अपन काम करवाते हैं तो बच्चा डिमांड करता है, इससे मेरा क्या फायदा होगा। फिर आपको क्या करना होता है, सोचना होता है, अरे यार मैं क्या करूं जिससे ये मेरा काम कर दे। फिर आप उसको थोड़ा सा लालच देते हो और अपना काम निकलवा देते हो। तो यहां पर प्रबंधक भी क्या करता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ढूंढ लेता है जो प्राप्त करने के लिए आप यहां पर उपस्थित हुए हो। यानी कि अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो आप उस प्रबंधक का कार्य क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप उस संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न हो जाते हैं, जिससे कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ आपके अपने जो उद्देश्य हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें। तो वापस देखिएगा, मेरी पार्क का फलटी क्या कहा, दूसरों से कार्य करवाने की कला क्या है, प्रबंध है। यानी यहां पर प्रबंधक कोई कार्य नहीं करेगा, वो केवल दिशा निर्देश जारी करेगा और जो दूसरे व्यक्ति हैं यानी उसके अंडर में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। एक और परिभाषा देखते हैं जिससे हमारे प्रबंध के बारे में जो विचार हैं वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं हम वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, और कौन है ये महोदय हैं F.W. Taylor। क्या कहते हैं ये, तो देखिएगा, चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता है F.W. Taylor और ये महोदय किस प्रकार से प्रबंध को परिभाषित कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रबंध यह जानने की कला है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या कहना चाहते हैं, वास्तव में आपका ड्रीम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से आप उस संगठन से जुड़े हैं। तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना, डिसाइड करना कि वह कार्य करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और कम लागत पर किस प्रकार से उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। यानी हमारे सामने एक और चीज आ गई है कि जो प्रबंध होता है
प्रबंध जो होता है न्यूनतम लागत एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो उस पर आने वाली लागत कम से कम हो और उस कम से कम लागत में आप अधिकतम उत्पादन कर सके। ध्यान रहे इसमें एक तत्व जो छुपा हुआ रहता है वो है समय। यानी आपकी लागत कम हो साथ साथ में समय भी कम होना चाहिए। कम समय में आप कितना कुछ प्रोडक्शन करते हैं ये सब कुछ प्रबंध पर निर्भर करता है। आपने किस प्रकार से अपना मैनेजमेंट बना रखा है उसी के बेसिस पे आप कम समय और कम लागत पर अधिकतम उत्पादन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं लेकिन हमारे लिए ये तो जो परिभाषा दे रखी है वो काफी है। आगे देखते हैं अब हम बात करते हैं प्रबंध की विशेषताओं की। क्या विशेषता है प्रबंध की? अब एक जनरल सी बात हम करते हैं आपके सामने। आप लोगों को पता है कि प्रबंध कर कौन सकता है? तो आपके सामने सीधा सा आंसर आता है मानव। जाहिर सी बात है कि इस पृथ्वी पर मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विभिन्न संसाधनों का कुशलतम तरीके से विरोहन करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव क्या करता है? जो विभिन्न प्रकार के संसाधन यहां पर है उन संसाधनों का यूज करता है और उन संसाधनों के माध्यम से ही जो वास्तविक उद्देश्य है उनकी पूर्ति होती है। ध्यान रहे संसाधनों का जो उपयोग करना है वो कुशलतम तरीके से किया जावे। तो सबसे पहले जब हम प्रबंध की बात करेंगे तो यहां इसकी विशेषता में आएगा एक मानवीय कार्य। हम समझ चुके हैं कि प्रबंध जो है वो मानव के द्वारा संपन्न किया जाता है इसलिए क्या है ये मानवीय कार्य है। पशु के द्वारा प्रबंध नहीं किया जा सकता इसलिए पशु जिस दिशा में चलते हैं उनका कोई भी एक निश्चित वे नहीं होता है जबकि मानव द्वारा अपने कार्य को करने के लिए पहले से ही योजना बनाई जाती है और उस योजना के माध्यम से वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगली बात करते हैं दूसरों से कार्य करवाने की कला। दूसरों से कार्य करवाने की कला इसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने अभी भी आपको बताया था कि जब हम बात कर रहे हैं प्रबंध की तो प्रबंधक स्वयं कोई कार्य नहीं करता वो तो केवल क्या करता है प्रबंधक एक उच्च स्तरीय प्रबंधक है और उसके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य होता है लेकिन वास्तविक रूप में अपन कम बात करते हैं तो उन लिए गए निर्णयों पर या जो योजना बनाई गई है उस योजना पर वास्तविक कार्य जो है कौन करता है? अन्य कर्मचारी। और ये अन्य कर्मचारी कौन होंगे? जो संगठन में जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सृजनात्मक कार्य सृजन करना
क्योंकि जब तक आप एक्टिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, आपका मैनेजमेंट सफल नहीं होगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका संगठन बहुत अच्छे से काम करे, आपके जो कर्मचारी हैं वो आपकी बातों का अवलोकन करें, आपकी बातों को माने, तो उसके लिए जरूरी क्या रहेगा, सृजनकारी होना चाहिए, बदलाव होने चाहिए निरंतर, और उन निरंतर होने वाले बदलाव से ही आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ये उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं, उद्देश्य कैसे होंगे, पूर्व निर्धारित होंगे। अगला पॉइंट मैंने लिखा है औपचारिक संगठनों में संपन्न। हां जी बिल्कुल, औपचारिक संगठन जहां पर लोग वास्तव में किसी कार्य को करने के लिए एकत्रित हुए हैं, फिर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उस संगठन के जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अनौपचारिक संगठन कर्मचारी या फिर लोगों के कह सकते हैं, कर्मचारी की भीड़ मात्र है, एक लोगों का समूह है जिनका निश्चित कोई उद्देश्य नहीं है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कहां होगी, औपचारिक संगठन में होगी, जहां पर आपका निर्धारित एक वे होता है, एक रास्ता होता है जिसपे चलते हुए आपको अपने उद्देश्य को पूरा करना होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में प्रबंध नहीं होता। तो इसे ध्यान रखिएगा, प्रबंध केवल औपचारिक संगठनों में संपन्न किया जाएगा। अब देखिए प्रबंध क्या करता है, नवाचार करता है, बदलाव लाता है। किस में बदलाव लाएगा, आपके कार्यों में, क्योंकि हम जब किसी कार्य को एक निर्धारित वे से करते हैं, तरीके से करते आते हैं, तो हमारे साथ में समस्या उत्पन्न हो जाती है, हम उस कार्य से ऊबने लगते हैं, बड़ा बोरिंग सा लगता है हमें, यार क्या पढ़ रहे हैं हम या क्या देख रहे हैं बार बार ये काम करना, तो व्यक्ति अपने जीवन से ऊब जाता है। तो उसमें नवाचार चाहिए, बदलाव चाहिए, उन बदलाव को कर्मचारी स्वीकार करते हैं और संगठन में और अच्छे से कार्य करते हैं, तो परिवर्तन जो कि संसार का नियम है वो यहां पर भी लागू होता है। हाँ जी, संसार का जो नियम है परिवर्तन का, उसमें भी न परिवर्तन जो है वो कार्य करता है। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी वस्तुएं उपयोग में ला रहे हैं, क्या वो आपने जब उनको यूज करना प्रारंभ किया, जब से आपने उनका उपयोग करना प्रारंभ किया अब से ले तब से लेकर अब वर्तमान समय तक जब आप उसका यूज कर रहे हो, उस समय तक क्या उनका जो बनावट है, उनका टेस्ट है, वो एक जैसा है? आप देखेंगे कई सारी ऐसी सामग्री है जो निरंतर क्या होती है, बदल जाती है, उनमें बदलाव होता है, और यह बदलाव जो है ये बदलाव कहलाता है न प्रवर्तन। जो उपभोक्ता की मनोदशाओं को जानते हुए प्रबंधक निर्धारित करता है। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, जी हाँ, केवल और केवल संगठन में जो कुछ बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, वे ही प्रबंधक को प्रभावित नहीं करते, बल्कि
उसके अतिरिक्त जिस संगठन में आप कार्य कर रहे हैं उसके बाहर जो गतिविधियां हो रही हैं, संगठन के भीतर होने वाली गतिविधियों के साथ साथ में संगठन के बाहर जो गतिविधियां हो रही हैं वे भी प्रबंधक को प्रभावित करती है, और प्रबंधक को इन्हीं आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरण को देखते हुए इनमें क्या करना होता है, सामंजस्य स्थापित करना होता है, संतुलन करना होता है, समन्वय करना होता है। तो समन्वय का कार्य भी प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। आगे देखिएगा, संसाधनों एवं कर्मचारियों में सामंजस्य स्थापित करना। एक संगठन में आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कुछ संसाधन उपयोग में ला रहे हैं उनका कुशलतम उपयोग करने के लिए एक प्रबंधक क्या करता है, उनमें जो कर्मचारी हैं उनका उसके साथ में कुछ इस प्रकार से संबंध बनाता है, उनको आपस में इस तरह से जोड़ देगा जिससे क्या हो कि वो संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर सके और संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी शीघ्रता से पूर्ति की जा सके। अगला लिखा है, देखिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यानी प्रबंध करने से पूर्व उसके जो उद्देश्य है उनका निर्धारण कर लिया जाता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के व्यक्ति कैसा हो जाता है, निराधार हो जाता है, उसे ये नहीं पता होता कि मुझे किस तरफ जाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जंगल में जब शेर शिकार के लिए निकलता है तो पशु पक्षी एक रास्ते पर नहीं भागते हैं, वो क्या करते हैं जैसा रास्ता उन्हें दिखता है वो उधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि उनका उद्देश्य फिक्स नहीं है, उनको तो अपना जीवन बचाना है, तो यहाँ पर भी जब तक आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं है, आपको ये नहीं पता मुझे करना क्या है, मुझे किस तरफ जाना है, उस समय तक आप क्या नहीं कर सकते, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रबंध क्या करता है, आपको ये कहता है कि सर्वप्रथम आप अपने उद्देश्य का निर्धारण कीजिए। तो अगले बिंदु पर बात कर रहे हैं, उद्देश्यहीन एवं महत्वहीन नहीं। देखिए, हमारे जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति तभी हो सकती है जब आपने उसके लिए एक अपना जो वे है वो पूर्व में निर्धारित किया हो, यानी बिना योजना के आप कार्य को नहीं कर सकते। प्लानिंग बनानी होती है उसको करने के लिए पहले। तो इस प्लानिंग में देखिए, जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं तो हम बात करते हैं आपके परीक्षा की, आपके एग्जाम की, जो आप निरंतर देते हैं प्रतिवर्ष या वर्ष में कई बार आप एग्जाम देते हैं, और उस एग्जाम के लिए आप उसी दिन प्लानिंग नहीं बनाते हैं, वो प्लानिंग आप कुछ समय पहले निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना समय देना है जिससे कि मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकूं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप लोग पूर्व में ही अपना एक समय चक्र बना करके अपने कमरे में लगा देते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने लक्ष्य को, अपने जो निर्धारित किया है उसको यथा समय प्राप्त कर सकें। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए, उसका कोई ना कोई महत्व होना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के व्यक्ति जो है वो पशु के समान कार्य करेगा, उसे यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो वो अपने लक्ष्य को
प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो जिस प्रकार आप परीक्षा के लिए समय चक्र बनाते हैं अपना, उसके आधार पर आप अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने गोल को प्राप्त करते हैं, वैसे ही संगठन भी क्या करते हैं, अपने उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और उस उद्देश्य के आधार पर ही अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, देखिए दो अलग अलग शब्द लेकिन आपस में कुछ इस तरह से जुड़े हुए कि आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। कैसे? देखिए जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं अपने अधीनस्थों को जब भी कोई अधिकार सौंपते हैं तो उन अधिकारों के साथ में स्वतः कुछ जुड़ जाता है, और क्या जुड़ता है, वो है आपका उत्तरदायित्व, या हम इसे कह सकते हैं कर्तव्य। जी हां, ये कर्तव्य आपके अधिकार के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप अपने सामान्य जीवन की बात करें या किसी संगठन में होने वाले कार्य की बात करें, जहां भी अधिकार होगा उस अधिकार के साथ साथ में आपके कुछ कर्तव्य जुड़ जाते हैं। अधिकार का मतलब क्या हो गया, आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसको करने के लिए आपको जो पावर की आवश्यकता होती है, आपको जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, आप जो निर्णय ले रहे हैं उन निर्णय के लिए आपको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर आपको क्या करना है, अब अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई कि आप उन अधिकारों का अच्छे से उपयोग करें और साथ ही साथ में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संलग्न हो जाए। प्रबंध सार्वभौमिक होता है। देखिए हमने पहले ही चर्चा की थी कि केवल भारत की बात नहीं करेंगे हम यहां पर, बल्कि विश्व के उन सभी देशों की बात करेंगे जो अस्तित्व में है, यानी कि पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रबंध किसी एक स्थान मात्र पर नहीं संचालित होता, इसका जो संचालन है वो विश्व के समस्त देशों में हो रहा है। समस्त देश क्या है? आपको मैंने ये भी बताया एक छोटा सा ठेला वाला जो है वह व्यक्ति भी प्रबंध करता है, और एक बड़ी से बड़ी कंपनी आप देख लीजिए उसमें भी प्रबंध होता है। तो प्रबंध कैसा है? सार्वभौमिक है, ये सभी जगह व्याप्त है, प्रबंध सभी जगह व्याप्त है। लेकिन इसके साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि जो प्रबंध सभी जगह व्याप्त है उसके साथ साथ में आपको एक बात का ध्यान रखना है, किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा। तो इसके लागू होने का जो तरीका है वो निर्धारित करता है उस संगठन पर, यानी कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? ये भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी जगह व्याप्त होगा इस बात की 100% गारंटी रहेगी। चलिए देख लेते हैं एक बार, मानवीय कार्य बता दिया मैंने आपको, प्रबंध जो है वो मानव के द्वारा संपादित किया जाने वाला कार्य है, दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मेरी पार्कर फॉलेट महोदय ने भी एक बात बताई अपने को कि हम प्रबंध में क्या करते हैं, दूसरों से कार्य करवाते हैं। सृजनात्मक कार्य, नवाचार से संबंधित जो कार्य है, सृजन करना, बनावट, नई नई चीजें जो हमारे सामने लाते हैं। औपचारिक संगठनों में संपन्न, ध्यान रखिएगा ऐसे संगठन जो क्या है अपने निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनके लिए संलग्न है उनमें संपन्न होगा। नव प्रवर्तन करना, बदलाव निरंतर करने चाहिए क्योंकि संसार का नियम है। क्या नियम है? बदलाव, परिवर्तन, जो संसार का नियम है, इसलिए नव प्रवर्तन। आंतरिक और बाह्य वातावरण भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है, तो इस पर भी ध्यान रखना है, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है ताकि इनमें मतभेद ना हो।
संसाधनों एवं कर्मचारियों में सामंजस्य स्थापित करना, जिन संसाधनों का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं उनमें आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपना तालमेल बिठाना है जिससे कि आप अपने उद्देश्य को कम से कम समय में पूरा कर सके। उद्देश्य पूर्व निर्धारित होंगे, आपके संगठन में आप जो कार्य कर रहे हो वो उद्देश्यहीन नहीं होगा या महत्वहीन नहीं होगा, उसका कोई ना कोई महत्व जरूर होगा। अधिकार एवं उत्तरदायित्व तो उसके साथ में आपके हो जाएगा। अधिकार जैसे आपको मिल जाता है, जैसे आपके अधिकारी हैं, आपको कोई कार्य सौंप रहे हैं तो उसके साथ में आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उस अधिकार के साथ साथ में आपके कुछ कर्तव्य बन जाते हैं कि आप उस कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करें। सार्वभौमिक यानी सभी जगह व्याप्त हैं, तो ये सब प्रबंध की विशेषताएं हैं। अब हम कल चर्चा करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में, क्या उद्देश्य है इसका और किस प्रकार से प्रबंध जो है हमारे वास्तविक जीवन में कार्य करता है, किस इसमें कितने स्तर होते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, कल हम मिलेंगे फिर आपके साथ में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।